सोहनलाल एक बड़ा ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वो प्रतिदिन नहा धोकर पूजा पाठ करता, फिर घर से नाश्ता खाकर लकड़ियां काटने जंगल में निकल पड़ता था। उसकी धर्म पत्नी सुधा उसके साथ ही उसका कलेवा बांध देती। दोपहर तक लकड़ियां कटने के बाद वह खाना खा लेता था और फिर कटी हुई लकड़ियों की गठरी बांधकर राजधानी में उन्हें बेचने चला जाता था। लगभग रोज ही उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती थीं। वह घर जाते समय घरेलू सामान लेकर अपने घर पहुंचता था। उसकी धर्म पत्नी भी बहुत मेहनती थी। वह घर के सारे काम करने के साथ साथ अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर सब्जियां उगाती थी और वह भी प्रतिदिन दोपहर के समय राजधानी में सब्जियां बेचने जाती थी। दोनों मेहनत करके अपने घर को सुचारू रूप से चलाने का हर भरसक प्रयास कर रहे थे। सोहन के चार बच्चे थे और घर में बूढ़े माँ बाप भी थे, तो इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना आसान नहीं था। हमेशा कुछ न कुछ कमी रह ही जाती थी। इतनी मेहनत के बाद सोहन लाल के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। उसे अपनी दो बड़ी बेटियों की शादी करने के लिए धन की आवश्यकता थी। बेटों को भी अच्छी शिक्षा देनी थी। एक दिन की बात है, सोहन लाल लकड़ी काटने जंगल पहुंचा। अभी लकड़ी काट ही रहा था कि उसने देखा पेड़ के ऊपर से एक सुनहरे रंग का छोटा सा थैला नीचे गिरा। जब सोहन लाल ने उसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। सोहन लाल उन्हें देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा, अरे क्या ईश्वर ने मेरी मेहनत, ईमानदारी और पूजा पाठ का फल दिया है? और खुशी खुशी उसने उस थैली को अपने पास रख लिया। जब लकड़ियां काटने का काम पूरा हो गया, उसके बाद सोहन लाल ने अपना खाना खाया और लकड़ियों को बांधकर बेचने नगर की तरफ चल दिया। लेकिन हर पल उसका ध्यान उस थैले पर ही था। वह थैले को लेकर अलग अलग तरह की बातें सोच रहा था। कभी उसे लगता कि यह किसी और के होंगे, मुझे उसे दे देना चाहिए। अगर ये किसी और के हुए और उसने उन्हें नहीं पाया तो वह कितना परेशान हो जाएगा। कभी सोचता, क्या पता ये ईश्वर ने मुझे ही दिए हों और जब मुझे मिले हैं तो ये मेरे ही हुए, ईश्वर ने मुझे मेरी भक्ति का फल दिया हो। इस तरह हर पल उसके दिमाग में उन हीरे जवाहरात भरे हुए थैले को लेकर अलग अलग विचार आ रहे थे। लकड़ियां बेचकर वह अपने घर चला गया। रात को खाना खाने के बाद जब वह सोने गया तब उसने पत्नी को सारी बात बताई और उसकी पत्नी सुधा भी उस थैली को देखकर बहुत हैरान हो गई और कहने लगी, इतने सारे हीरे जवाहरात मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। हाँ, राजमहल में रानियों और राजकुमारियों को इन्हें पहने हुए जरूर देखा है, परंतु कभी हाथ में लेने का मौका आज तक नहीं पड़ा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतने हीरे मोतियों को, जवाहरात को मैं कभी अपनी आंखों से अपने हाथों में देख पाऊंगी। यदि इन्हें कोई लेने आ गया तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि हम चोर समझे जाएंगे? यदि यह सारा सामान राज परिवार का हुआ तो हमें दंड भी मिल सकता है। अब सोहनलाल कहता है, प्रिय मुझे तो केवल यह सोच परेशान किए जा रही है कि क्या यह मेरी भक्ति का फल है या किसी और की संपत्ति में घर ले आया हूँ। यदि यह किसी और का धन हुआ तो यह मुझे नहीं चाहिए, परंतु इसके मालिक को मैं ढूंढूं भी तो कैसे? हालांकि इस धन से हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं, हम नया घर बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बेटियों की अच्छी शादी कर सकते हैं और उन्हें लायक बना सकते हैं, बगल वाली जमीन खरीद कर अच्छी शाक भाजी उगा सकते हैं और जंगल जाने की फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी, और यहीं पर दोनों पति पत्नी मिलकर सब्जियां और फल आदि उगाकर अच्छा जीवन बिता सकते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि यह धन हमारा नहीं है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है।
सारी बातों को सोच विचार कर दोनों पति पत्नी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो सुधा कहती है, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम कल राजा के पास चलते हैं और यह धन उन्हें सौंप देते हैं। हो न हो, इतना धन तो किसी राजघराने के व्यक्ति का ही हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने इसे राजघराने से चुराया हो और वहां पर छुपा दिया हो। कल को यदि कोई भी इस धन को हमारे पास देखेगा तो वो समझेगा कि हम ही चोर हैं। इन सब बातों को सोचते समझते उन्हें सुबह हो गई और सुबह होते ही तैयार होकर सोहनलाल राजसभा पहुंच गया। राजा के समक्ष बोलने की उसकी बारी आई तो उसने थैली राजा को सौंपते हुए पूरी बात बता दी। राजा सोहनलाल की ईमानदारी से बहुत खुश हो गए। राजा ने कहा, सोहनलाल, तुमने ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम की है। तुम चाहते तो इस धन को आराम से अपने पास रख देते और किसी को इसकी कानोकान खबर तक नहीं होने देते, लेकिन तुमने ईमानदारी वश यह थैला मुझे सौंप दिया है, लेकिन तुम इसे अपना इनाम समझकर अपने पास रख लो। राजा की इतनी बात सुनकर सोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए और वह मनी मन भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ना तो आपने मेरी ईमानदारी जाने दी और यह धन भी मुझे दिलवा दिया। अब इससे मैं अपने सारे कलेश मिटा लूंगा और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।